हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वसंत भाग एक क्लास सिक्स का चैप्टर नादान दोस्त। आज हम इसका पाठ का सार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनके घर की छत की कॉर्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। वे दोनों प्रतिदिन सुबह आके मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को देखते रहते। उन्हें अपने नाश्ते को भी सुध ना रहती थी। वे अक्सर सोचते कि कितने अंडे होंगे, कितने बड़े अंडे होंगे, बच्चे कब निकलेंगे। वे इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे, पर अम्मा एवं बाबूजी को इनका जवाब देने का समय ना था। श्यामा छोटी थी, अतः अपने भाई से प्रश्न पूछ लिया करती थी, और केशव बड़ा होने के कारण कुछ ना कुछ जवाब अवश्य देता था। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के खाने पीने के विषय में परेशान थे। उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। भूख और प्यास से बच्चे मर जाएंगे, यह सोचकर दोनों परेशान हो उठे। दोनों ने सोचा कि यदि कुछ चावल के दाने एक कटोरी में पानी और घोंसले के ऊपर छाया कर दी जाए तो चिड़िया को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस काम के लिए श्यामा ने चुपके से कुछ चावल निकाले और केशव ने तेल की कटोरी साफ कर उसमें पानी भर लिया। घोंसले पर छाया करने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी का इंतजाम किया। गर्मी के दिन थे। अम्मा ने दोपहर में दोनों को सुला दिया और दरवाज़ा बंद करके खुद भी सो गई। लेकिन श्यामा और केशव की आंखों में नींद न थी। वे चिटकनी खोलकर चुपचाप बाहर आ गए। केशव स्टूल और नहाने की चौकी ले आया। स्टूल के नीचे नहाने की चौकी रखकर वह कॉर्निस तक पहुंच गया। श्यामा स्टूल को पकड़े थी। स्टूल हिलते ही केशव को परेशानी हो रही थी, पर वह किसी तरह कॉर्निस पर पहुंच गया। कॉर्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने फटे पुराने कपड़े की गद्दी बनाकर अंडे उसके ऊपर रख दिए। टोकरी को लकड़ी से टिकाकर अंडों पर छाया कर और पास में ही चावल के दाने तथा पानी भर टोकरी रख उतर आया। श्यामा भी अंडे देखना चाहती थी, पर गिरने के डर से केशव ने उसे ऊपर ना चढ़ने दिया। फिर दोनों चुपचाप कमरे में आकर लेट गए। बाहर लू चल रही थी, वे दोनों सो गए। 4 बजे नींद खुलने पर दोनों कॉर्निस पे के पास गए। दोनों ने देखा कि अंडे नीचे गिर कर टूट गए हैं, उनमें से उजला उजला पानी निकल आया है। इतने में अम्मा जी ने आकर पूछा, वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? टूटे अंडों को देखकर अम्मा ने कहा, जरूर तुमने इन्हें छुआ होगा। श्यामा ने सोचा, भैया ने अंडे ढंग से नहीं रखे, इसलिए अंडे गिरकर टूट गए। भैया को इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसने अम्मा से कहा, भैया ने अंडों को छेड़ा था। तब उन्हें अम्मा ने बताया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सीती। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव के यह बताने पर कि अंडे उसने केवल गद्दी पर रखे थे, अम्मा जी को हंसी आ गई, मगर केशव कई देर तक अपनी गलती पर अफसोस कर रोता रहा। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई पड़ी। तो दोस्तों, ये था पाठ का सार। आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।